पार्टी ने वार्ड बन से लगा करके प्रधानमंत्री तक रह करके इसका देश में शासन किया है। मित्रों आप सब जानते हो कांग्रेस ने हमारे साथ क्या किया। मैं उनसे पूछना चाहता हूं मित्रों, अगर कांग्रेस 50-55 साल में एक ही काम नहीं करती तो हमारे गांव में 50-55 आते हैं, कोई कोई नया नारा लेके आते हैं, कभी कहते हैं हम उनके साथ गरीबी मिटा देंगे, कभी कहते हैं हम उनके साथ बेरोजगार हटा देंगे, कभी कहते हैं हम यहां से देश को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। मित्रों मैं आपसे कहना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की झगड़ी है। मित्रों उसने कई प्रकार के घोटाले करे, अटल बिहारी वाजपेयी का 13 महीने का और 5 साल का साथ आपने देखा है। मित्रों अटल बिहारी वाजपेयी के कानून के कारण आज हमारे यहाँ पर एक भी गांव ऐसा नहीं जो सड़क से नहीं जुड़ा। मित्रों उन्होंने कानून बनाकर कहा कि प्रधानमंत्री घर ग्राम सड़क योजना के माध्यम से प्रत्येक गांव को हम गांव से जोड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि आप कांग्रेस के वोटे जनता सड़क नहीं बनाऊंगा या भारतीय जनता पार्टी का अपन सड़क दे दो। उन्होंने आबादी के आधार पर नॉर्म बनाकर नियम बनाकर कहा सारे के सारे गाँव को नाम जोड़ूंगा। आज एक भी गाँव ऐसा नहीं है जो सड़क से नहीं जुड़ा हुआ है। गाँव कुछ गाँव ये गाँव है हमारे महाराज के 3-4 गांव है जो डालना से आज भी नहीं जुड़े हैं, जिसका कारण है वन विभाग की आपत्ति, वहां केम सेंचुरी के कारण ये सड़क से नहीं जुड़ पाए। मित्रों और उसके बाद में हमारे जो वाले गांव जो हमारे कुमरिया में पड़ता है वो गांव नहीं जुड़ा और जानों में जानों और मार। मित्रों मैं आपसे कहना चाहता हूँ केम सेंचुरी का कानून कौन लाया था। आपसे पूछना चाहता हूँ मित्रों ये केम सेंचुरी का कानून कांग्रेस के द्वारा लाया गया था। यहाँ पर उन्होंने कहा यहाँ जो पर्यटक आएंगे विदेशी आएंगे यहाँ हम जानवर पालेंगे और यहाँ जो कुछ करने के लिए जानवर पालेंगे तो दिखाएंगे, ऐसा करके हमारे इन गाँवों को गेम चेंजरी में डाल दिया। मित्रों ये भी जो भी उसका जिम्मेदार है वो कांग्रेस पार्टी है। मित्रों मित्रों मैं कहता हूँ हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी मंडे के बाद में आपने देखा होगा प्रत्येक बेटी तक सरकार की योजना बना करके गांव और गरीब के अंतिम किनारे पर बैठा उस व्यक्ति को लाभ पहुंचाने का किसी ने काम किया है उसका नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। मित्रों नरेंद्र मोदी है उस व्यक्ति ने या तो प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से उसको मदद की होगी। मित्रों अगर उसको सोचा देने के काम किया होगा गेट देने का काम किया होगा। मित्रों ऐसे कई योजना बना करके गाँव के गरीब आदमी को ऊपर उठाने का काम किया था। मित्रों हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने एक काम और किया जब प्रधानमंत्री बने थे तब उन्होंने कहा लाल किले से खाओ मैं खाए दूंगा। मित्रों और उन्होंने जनधन के खाते खोल करके सरकारी योजना का पैसा जितना भी था चाहे उसकी पेंशन आती हो चाहे उसका प्रधानमंत्री का आवास आता होगा चाहे नरेगा मजदूरी करता हो उसकी मजदूरी आती हो सरकारी योजना का जितना भी पैसा आता है उस सारे के सारे पैसों को उस जनधन के खाते में डाले और काम किया उसका नाम है प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी। इसके कारण से जितना भी भ्रष्टाचार था बीच में जो दलाल पाते थे सारे सारे दलालों को हटा दिया। मित्रों सारा का सारा दिल्ली से आना वाला पैसा उस गरीब के खाते में आता है और आज उस बिचौले को हटा करके सारा का सारा पैसा कहीं से जेल में डाल दिया किसने काम किया उसका नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मित्रों बहुत ज्यादा नहीं होगा प्रेरणा बहुत है हमारी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे महिला है यहाँ पर महिला भी काफी बेटी है। मुख्यमंत्री ने महिला को परिवार का मुखिया बना करके बाबा साहब का योजना से उनको लाभान्वित करके उनको कहा आप परिवार की मुखिया हो।